अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सहकारिता कर्मचारियों की हड़ताल आज चौथे दिन भी जारी रही। खरगोन सहकारी समिति कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। आज 28 मार्च को भी जारी रही हड़ताल। खरगोन जिला मुख्यालय पर सहकारी सोसाइटी के कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन धरना आंदोलन जारी है। जिला अध्यक्ष लखन चौधरी और संजय गुप्ता के नेतृत्व में जिले के 1200 से अधिक कर्मचारियों ने कलमबंद हड़ताल 23 मार्च से शुरू कर राजधानी भोपाल में प्रदर्शन किया। संघ के कार्यकारी अध्यक्ष तिलोक चंद यादव ने संघ की आगे की रणनीति बताते हुए कहा, यदि हमारी एक सूत्री सरकारी कर्मचारियों की भांति वेतन भत्ते और सुविधाएं देने की मांग को मध्य प्रदेश शासन नहीं मानता है तो 1 अप्रैल को प्रदेश भर के 55,000 कर्मचारी सीएम हाउस का घेराव करेंगे। आंदोलन के चलते जिले में किसानों को बिना ब्याज कर्ज वितरण, 1 रुपए किलो गरीबों का राशन और समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदी का काम पूरी तरह से बंद पड़ा है। हमारी सहकारिता कर्मचारियों की प्रदेश महासंघ की ओर से हड़ताल 23 मार्च से रेगुलर चल रही है। हमने 21 तारीख को समस्त जिलाधिकारियों को सूचित कर दिया था कि 23 तारीख तक यदि हमारी मांगों के संबंध में कोई निराकरण नहीं हुआ तो हम अनिश्चितकालीन कलम बंद कर हड़ताल करेंगे। उसी तारतम्य में हम 23 से यह टैगोर पार्क में धूप में बैठे हुए हैं, समस्त जिले के कॉपरेटिव बंद करके, जिसके अंतर्गत PDS उपार्जन और वसूली 0% वसूली सारी ठप कर दी गई है पूरे मध्य प्रदेश की। और 1 अप्रैल को भोपाल में सारे 55,000 कर्मचारी मिलकर मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे और हमारी मांगों को पूरी करवाएंगे। अगर आपकी मांगे नहीं पूरी करी गई तो अगला क्या कदम होगा? बस वो अनिश्चितकालीन हड़ताल चलेगी और हो सकता है कि आत्मदाह पर जाकर समाप्ति की ओर हो ये। अच्छा, कब से हड़ताल चल रही है? ये 23 मार्च से चल रही है जो अनिश्चितकालीन है। डीजे न्यूज निमाड़ रिपोर्ट खरगोन।